वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़ 24/7। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, और आपको मिल जाएगा पूरा एनालिसिस स्टोरी का। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स of the tale of two birds. So without wasting any time, let's start. So question number one is, how did the two baby birds get separated? Dono baby birds ek dusre se separate kaise hue? And the answer is, the two baby birds lived in a tree with their mother. Dono baby birds apni maa ke saath ek tree pe rehte the. One day there was a big storm, thunder, lightning and rain destroyed their nest. Ek din ek bade se tufaan ne unke ghonsle ko destroy kar diya. A heavy branch hit the mother, but fortunately the wind blew them away. Ek badi si shakha ne maa ko maar dala, lekin wind blew them away. Hawa ne unko dur uda ke chhod diya. One baby bird came down near the robber's cave and another one landed outside the rishi's ashram. जिसमें से एक बेबी बर्ड ने लैंड किया कहाँ? जहाँ रॉबर्स रहते थे, उस गुफा के पास. And another baby bird landed outside the rishi's ashram. और दूसरे बेबी बर्ड ने ऋषि के आश्रम के पास अपना आशियाना पाया. Thus the baby birds got सेपरेटेड, और इस तरह से दोनों बेबी बर्ड्स एक दूसरे से अलग हो गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? सो जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन में हमने इसका आंसर आधा दे दिया है, सो यू कैन ईजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द आंसर, वन बेबी बर्ड केम डाउन नियर द केव एंड फाउंड होम वेयर रॉबर्स लिव्ड एंड अनदर बर्ड found home in the rishi's ashram. आपको क्वेश्चन नंबर वन के साथ एनालिसिस करके क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ईजिली मिल जाएगा कि एक बेबी बर्ड को कहाँ आसरा मिला. वन बेबी बर्ड केम डाउन नियर द केव, एक बेबी बर्ड को एक केव के पास जहाँ रॉबर्स रहते थे वहाँ घर मिला. एंड अनदर बर्ड फाउंड होम इन द रिशीस आश्रम, और दूसरे बर्ड को कहाँ आसरा मिला, जहाँ ऋषि का आश्रम था. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री. व्हाट डिड द फर्स्ट बेबी बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? फर्स्ट बेबी बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा? व्हेन द फर्स्ट बेबी बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर, ही कॉल्ड आउट द रॉबर्स टू टेक द ज्वेल्स एंड हॉर्स ऑफ द स्ट्रेंजर. जब फर्स्ट बेबी बर्ड ने स्ट्रेंजर्स को देखा तो उसने डाकुओं को चिल्लाया कि जल्दी आओ, यहाँ पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी आओ और उसे लूट लो. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? दूसरे बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा? सो जैसे राजा दूसरे बर्ड्स के पास गए, राजा जब ऋषि के आश्रम में पहुँचे तब वहाँ उन्हें दूसरा बर्ड मिला एंड उन्होंने उससे कहा, व्हेन द सेकंड बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर ही वेलकम्ड हिम, आस्क्ड हिम टू गो इनसाइड द ऋषिस आश्रम एंड आल्सो टोल्ड हिम टू ड्रिंक वाटर एंड टेक रेस्ट. क्योंकि वो ऋषि के आश्रम में रहता था दूसरा बर्ड, इसलिए उसमें ऋषि के संस्कार थे, मैनर्स थे. सो व्हेन द सेकंड बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर, जब सेकंड बर्ड ने स्ट्रेंजर को देखा, ही वेलकम्ड हिम, उसने किंग का वेलकम किया. आस्क्ड हिम टू गो इनसाइड द ऋषिस आश्रम, सेकंड बेबी बर्ड ने ऋषि के आश्रम में बुलाया किंग को. एंड ऑल्सो टोल्ड हिम टू ड्रिंक वाटर एंड टेक रेस्ट, और उसे पानी पीने के लिए और रेस्ट करने के लिए कहा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
How did the Rishi explain the different ways in which the birds behaved? Rishi ne kaise explain kiya dono alag alag birds ke behavior ko? So the answer is, when the king asked about the different behaviors of birds, jab king ne dono birds ke different behavior ke bare mein pucha, the Rishi explained that everyone is known by his company. तब ऋषि ने ये एक्सप्लेन किया कि हर कोई अपनी संगत की वजह से जाना जाता है, कंपनी की वजह से जाना जाता है. सो द फर्स्ट बर्ड इमिटेट्स द रॉबर्स एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग द पीपल. इसीलिए पहले बर्ड ने किसके बारे में बात की? रॉबर्स के. इसीलिए पहले बर्ड्स ने रॉबर्स की तरह बात की और वो लोगों को लूटने की बात करता है. एंड द अनदर वन वेलकम्स द पीपल इन द आश्रम. और दूसरे बर्ड ने जो ऋषि के यहाँ पला बढ़ा है उसने स्वागत किया किसका? एंड द अनदर वन वेलकम्स द पीपल इन द आश्रम. और दूसरा बर्ड लोगों को आश्रम में बुलाता है, उनका वेलकम करता है. क्यों? बिकॉज ही इज़ नोन बाय हिज कंपनी. और वो किसके यहाँ था? ऋषि के यहाँ था. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज टू बिहेवियर ऑफ टू डिफरेंट बर्ड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं, आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कोई एक. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. इन तीनों लाइंस में से कौन सी लाइन पूरी स्टोरी को सम अप करती है? सम अप करना मींस शॉर्ट में बताना या इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में बताना. अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश. फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हाथ में आई एक चिड़िया झाड़ पे बैठी 2 चिड़ियाओं से बेटर है. क्या ये आंसर हो सकता है? जी नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर 2 इज वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. कोई इंसान अपनी संगत की वजह से जाना जाता है, ये हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू आवर अनदर ऑप्शन एंड दैट इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड. ये अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड. ये ऑप्शन ये बताता है कि जरूरत के वक्त काम आने वाला दोस्ती. सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज A friend in need is a friend indeed. ये भी नहीं हो सकता. So what will be the answer? Option number 2. And that is, one is known by the company one keeps. Clear? So the answer is, one is known by the company one keeps. So this is all about the question and answers of A Tale of Two Birds. I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं. और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.